Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. So here I am with the important short questions of chapter number 16, basic electronics of 10th class physics. इससे previous वाले chapters के मैं already important short questions, numericals, conceptual already videos upload कर चुकी हूँ. You can visit my channel and watch those videos. So let's start this video. The important short questions of chapter number 16 is first page पे ही आ जाता है हमारे पास thermionic emission का topic. इसमें से आपने क्या करना है कि जो ये जो first वाला paragraph है इसको आपने अच्छे तरीके से read out करना है. इसमें से MCQs देखने हैं, किसने क्या थॉट रे इसको डिस्कवर किया था, कब किया, ये सारा आपको मालूम होना चाहिए. और नेक्स्ट पैराग्राफ में थर्मोनिक एमिशन की डेफिनेशन है जो आप थर्ड लाइन से कर सकते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक आपने थर्मोनिक एमिशन की जो डेफिनेशन है वो लाजमी याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे. ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आप इसकी डेफिनेशन कर लें तो इट्स ऑन द वेरी नेक्स्ट पेज. आप ये फर्स्ट पैराग्राफ अगर स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. उसके बाद जो नीचे वाले दो पैराग्राफ्स हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप एक बार अच्छे तरीके से रीड आउट कर लें. इसके इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ कैन द इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको आप यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद अगर आप यहाँ भी करना चाहें तो इट्स ओके, मतलब इतना भी आप याद कर सकते हैं. लेकिन ये वाली जो लाइंस है ना, इसमें आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि जो डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है. तो ये MCQs में भी बात पूछी जा सकती है. नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करना है, ठीक है. इसका यहाँ से यहाँ एंड देन नेक्स्ट पे भी आपने ये यहाँ तक कर लेना, ठीक है. उसके बाद सो द नेक्स्ट टॉपिक इज CRO. इसका आपको अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि CRO क्या है, ठीक है. सबसे पहले तो आप इसके शॉर्ट के लिए डेफिनेशन कर लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए. उसके बाद आपको क्या मालूम होना चाहिए कि लाइक ये यहाँ से आप एग्जाम्पल इसकी कर लें, ठीक है. उसके बाद जो इसकी डायग्राम है, चलिए वो मैं बाद में आपको बताऊंगी जब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको हम देखेंगे. नेक्स्ट जो आ जाता है इसका, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो CRO है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CRO, ठीक है. तो ये आपको ये तीनों मालूम होने चाहिए. उसके बाद आगे आ जाता है इलेक्ट्रॉन गन. अच्छा, इलेक्ट्रॉन गन वाले के अंदर से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आप ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन है वो किस तरह से कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है. तो ये आपको मालूम होना चाहिए. यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन गन का क्या रोल है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है. यहाँ से आप इसके अंदर ग्रिड की डेफिनेशन भी कवर हो जाएगी. यहाँ से आप इसको लर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ से आप लोग इसको यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद ये जो नेक्स्ट है ना, ये आपको MCQs के लिए लाजमी मालूम होना चाहिए. तो एनोड जो है वो कनेक्ट किसके साथ होता है, कैथोड, ये किस तरह से सारी वर्किंग हो रही है, ठीक है. इसको आप MCQs के लिए देख लें. ऊपर जितना मैंने निशान लगाया उसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे लर्न करना, ठीक है. नेक्स्ट आगे आ जाता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का भी इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ठीक है. अच्छा, वैसे इसमें से अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चंस नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. इसमें से जो है ना वो कंपोनेंट्स ऑफ CRO वाला बन रहा है, या आगे एक यूजेज वाला आएगा, ठीक है. वैसे फिर भी आपने अगर मतलब जो है टाइम एंड पे बचता है तो आप लोग ना ये वाला भी शॉर्ट कर सकते हैं. डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स को पढ़ लें, ठीक है, कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या होती है, उसका क्या काम होता है. उसके बाद फ्लोरिसेंट स्क्रीन है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन का यहाँ से यहाँ तक आप कर सकते हैं. लेकिन फिर से मैं वही बात बता रही हूँ कि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना वो है इसके यूजेस, ठीक है. यूजेज ऑफ CRO वाला जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने लाजमी तौर पे याद करना ही इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आगे एक टॉपिक है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से. अच्छा, अभी ये जो टॉपिक है ना ये काफ़ी दिखने में लेंथी लगता है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको देखते हैं तो जी ये इतना लंबा है और इतना लेंथी है और इसकी कोई एज सच हेडिंग्स भी नहीं बनी हुई हैं, तो इस तरह से लगता है कि ना तो ये इतना इंपॉर्टेंट है और इसको छोड़ देते हैं या स्किप कर देते हैं. तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि इसको अब बिल्कुल स्किप ना करें, बल्कि क्या करें, इसमें से ना छोटी छोटी डेफिनेशंस निकल रही हैं वो आपने लाजमी तौर पे करनी है. जैसे यहाँ पे एनालॉग क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है, उसकी आगे एग्जांपल है. इसी तरह आगे डिजिटल क्वांटिटी की डेफिनेशन आएगी, वो आपने करनी है, ठीक है. यानी डिजिटल का क्या, कैसे ग्राफ बनता है, एनालॉग का कैसे बनता है, ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है ना, इसके ऊपर आपने ये ना ज़रा इंपॉर्टेंट
आप कर लीजिएगा। ये डीएसी और एडीसी का डिफरेंस पूछा जा सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है, इसका डिफरेंस आपको अच्छी तरह से। अच्छा, जो पीछे हमने एनालॉग क्वांटिटीज और डिजिटल क्वांटिटीज का पढ़ा है ना, उसमें से भी आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है कि डिजिटल और एनालॉग का डिफरेंस बता दें, सिग्नल्स हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा जा सकता है, क्वांटिटीज का पूछा जा सकता है। इसी तरह ये डीएसी और एडीसी का आपने करना है, ठीक है, यहाँ से इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी वैसा ही है जैसा अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, ये भी थोड़ा लेंथी है, कोई ऐसा जिसमें हेडिंग नहीं है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से भी आपने कुछ डेफिनेशंस को लर्न करना है। ये बस सारा आप बस एक बार रीड आउट कर सकते हैं, अगर रीड भी नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक डेफिनेशन बन रही है लॉजिक स्टेट्स की और लॉजिक वेरिएबल्स की, ये आपने लाजमी तौर पर याद करनी है, ठीक है। यहाँ से आपको ना ये सारी एग्जांपल एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लेकिन ये इतनी लेंथी एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि आप इसको बस एक बार रीड आउट करके अपनी वर्डिंग में दो तीन लाइनों में एक्सप्लेन करके बता दें कि अगर हम किसी भी चीज़ को लाइक किसी भी क्वांटिटी को 1001 के फॉर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं बाइनरी फॉर्म के फॉर्म में, तो इस तरह से इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, यानी ऑन ऑफ है, 10 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिक स्टेट्स या लॉजिक वेरिएबल्स, ठीक है। पेज पे एक डेफिनेशन बनती है बुलियन अलजबरा की, ये आपने करनी है, ठीक है। जॉर्ज बुलियन ने इसको एक्सप्लेन किया था, और बुलियन अलजबरा क्या होती है, यहाँ से इसकी डेफिनेशन है कि ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है, इसके अंदर दो लॉजिक स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी, 1 और 0, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट जितने भी पेजेस हैं इस चैप्टर के, उसमें हमारे पास आ जाता है एंड ऑपरेशन है, नोर है, नॉट है, ऑपरेशन, ठीक है। इन ऑपरेशंस में से शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है, वो है जी इनके सिंबल्स, इनके डायग्राम्स, यानी इसका सिंबल, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि इसका सिंबल हमारे पास क्या होता है, डॉट होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी लिख सकते हैं। इसकी ये जो डायग्राम है, ये आपको लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, वो है जी ये ट्रूथ टेबल। आपको ट्रूथ टेबल मालूम होने चाहिए कि एंड ऑपरेशन का, और ऑपरेशन का, नॉट ऑपरेशन का ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है ये डायग्राम्स, आपको ये सिंबल्स अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए कि किसका सिंबल किस तरह से है, ठीक है। एंड का सिंबल कैसा है, और का सिंबल कैसा है, नॉट का सिंबल कैसा है, ये आपको अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपने करना है लर्न। ये डायग्राम हो गई, ये नैंड की डायग्राम हो गई, इनका ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है, ये, और साथ में इनके फॉर्मूलाज हो गए, ये आपने अच्छी तरह से याद करने। नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसमें तो वो सिंपल सा एक हाउस सेफ्टी अलार्म का एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप लर्न कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर ये डिफिकल्ट लगता है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। यूजेज ऑफ लॉजिक गेट्स के नाम से, या हाउस सेफ्टी अलार्म के नाम से भी आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। तो यही थे बस इसके, ज़्यादा तो इस चैप्टर में से कोई इतना इंपॉर्टेंट लाइक मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे आपने पीछे चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन से थोड़े से हैं, तो अच्छे तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो इस चैप्टर में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो बन के आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की, तो वो है हमारे पास टॉपिक CRO, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से लाजमी तौर पे याद करना है, इसकी आपको डेफिनेशन शुरू से मालूम होनी चाहिए। उसके बाद आप डायरेक्टली कंपोनेंट्स पे आ सकते हैं, आपको कंपोनेंट्स इसके लिखने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स के बाद आपने इसकी इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, इसको सारा अच्छे तरीके से थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। और लास्ट पे अगर आप यूजेस ऑफ CRO भी लिख देते हैं, तो यूजेस ऑफ CRO भी लिख देते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको डायग्राम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। CRO का जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी डायग्राम भी लास्ट में ड्रॉ करनी है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अच्छे तरीके से आपने ड्रॉ करनी है, अच्छी तरह से इसकी लेबलिंग याद करनी है, ठीक है। तो एक तो इसका, इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पेजेस पे
हमारे पास ऑपरेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एंड ऑपरेशन है ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है, ठीक है, ये आपने लॉन्ग अच्छे से करना है। अच्छा, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मसला है कि एंड ऑपरेशन और नॉट, ये सारे ऑपरेशन थोड़े लेंथी लेंथी हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें आपने ये सारा इतना थोरेटिकल वे में अगर आप नहीं भी याद करते तो इट्स ओके। अब आपने जो मेन चीज़ें याद करनी है ना इन सारे लॉन्ग क्वेश्चन में, वो क्या हैं, एक तो आपको ये सर्कल डायग्राम अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको ये केसेस मालूम होने चाहिए। अगर ये केसेस आप थ्योरेटिकल अगर इसको मिस भी कर देते हैं ना तो इट्स ओके, क्योंकि ये टेबल में कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ है आपको इसका ये सिंपल फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको ये जो नीचे इसकी डायग्राम है ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये वाला जो टेबल है ये पता होना चाहिए, यानी स्विच वन ओपन होगा, स्विच टू भी ओपन होगा तो आपका लैंप ऑन होगा या ऑफ होगा, ठीक है। ये टेबल आपने लाजमी तौर पे बनाना है लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद आ जाता है जी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपने लाजमी बनाना है, ठीक है। तो ये बस चार पाँच चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो आपका लॉन्ग कवर है। इतनी ज़्यादा लंबी थ्योरी आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आप सिंबल लिखें, फॉर्मूला लिखें, डायग्राम बनाएं, सर्किट के डायग्राम बनाएं और ये दोनों टेबल्स बना दें, इनफ है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास और ऑपरेशन, ये भी लॉन्ग है, और नॉट ऑपरेशन है, ये भी लॉन्ग है। और इसमें से भी आपने वही वही चीज़ें करनी है जो मैंने आपको एंड ऑपरेशन के लिए बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड और नॉर गेट के लिए भी वही चीज़ें करनी है आपको, सिंबल पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, डायग्राम मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब जो नैंड गेट और नॉर गेट है ना वो कुछ ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऑपरेशंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशंस में से भी अगर हम बात करें तो एंड और ऑपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम गेट्स की बात करें तो नैंड और नॉर गेट को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो नैंड गेट जो है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आई प्रेफर कि आप इस चैप्टर के ये सारे ऑपरेशंस और गेट्स करें, क्योंकि बहुत आसान है, ईजी है, जल्दी से याद हो सकते हैं। तो ये आपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन इसके अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, ठीक है। आगे अगर बात कैप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो अगर आप कोशिश करें तो मतलब कोशिश करें कि सारे चैप्टर्स के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद करके जाएं पेपर में। बट इफ़ अगर आप सारे नहीं याद करना चाहते तो एटलीस्ट निशान लगवाती हूँ, ये तो आपने लाजमी याद करके जाने हैं, इनको कोशिश करें स्किप ना करें, ठीक है। इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है वो एक 16.1 है, ये आपने करना है लाजमी, 16.2 करना है। उसके बाद जो आपके पास आ जाता है 16.5, इसको आपने करना है, 16.4 करना है, 16.6 करना है, ठीक है। तो ये हैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो आपने लाजमी तौर पे करने हैं, बाकी जो है ये वाले आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला क्वेश्चन जो है इसका भी कुछ सिंपल सा आंसर है, इनके भी छोटे छोटे सिंपल से आंसर हैं, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो इम्पॉर्टेंट हैं वो मैंने बता दी हैं, ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट द चैप्टर नंबर 16, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग कंसेप्चुअल। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इस चैप्टर, इस 10th क्लास की फिजिक्स के जो हैं वो मैंने ऑलरेडी इसके जो पीछे चैप्टर्स हैं उनके भी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग और न्यूमेरिकल्स अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 2 चैप्टर्स की भी जल्द अपलोड करूँगी। इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस देन सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।